अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सादकैन सलाहुद्दीन योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं 2014 के सवाल से, और ये सवाल टॉपिक रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन डायमेंशन से आया हुआ है। इसको सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। डेटा बनाते हैं सबसे पहले हम। सवाल में कहा गया एक रेक्टेंगुलर बार है आयरन का, जिसका एरिया गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 4 और सेंटीमीटर बढ़ाया हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ले आने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट माइनस 4 लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया उसकी लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। लेंथ सेंटीमीटर को मीटर में ले आने के लिए 100 से डिवाइड कर दोगे आप लोग, तो आपके पास मीटर में आ जाएगा बच्चों 0.2 ऑफ मीटर। आपको निकालना है रेजिस्टेंस क्या होगी एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या होगी, आपको अल्फ़ा की वैल्यू इन्होंने गिवन दी है कितनी, 0.0052 केल्विन इनवर्स। और इन्होंने रॉ की वैल्यू आपको गिवन दी है 11 × 8 Ω। ये कांस्टेंट वैल्यूज आपको सवाल में गिवन दी जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि रेजिस्टेंस एट ज़ीरो निकालना होगा, जो फॉर्मूला होता है रॉ एल अपॉन ए, ठीक है। तो बच्चों रॉ आपको इन्होंने गिवन दे दिया है, कितनी वैल्यू है 11 × 8, और साथ में लेंथ इन्होंने आपको गिवन दी है कितनी 0.2, और डिवाइड में एरिया है 4 × 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 11 × 8 इंटू 0.2, जो आंसर आएगा उसको हम 4 × 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 5.5 × 5 Ω, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ये करना है कि रेजिस्टेंस निकालनी है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। तो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर टी आर नॉट 1 + α δT, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हो जाएगा 50, आर नॉट वैसे ही आ गया 1 + α, और आपको पता है डेल्टा टी जो होता है बच्चों वो होता है T − 0, तो जो टी के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। तो मींस टी की वैल्यू क्या होगी, 50 ही होगी, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू इसको। सबसे पहले बच्चों आर नॉट आपने फाइंड किया हुआ है 5.5 × 5, अच्छा इसके बाद 1 + α, अल्फा कितना है बच्चों, आपके पास अल्फा है 0.0052 और टी है 50। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चों सबसे पहले करना क्या है आपको, आपको ये करना है कि 0.0052 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, और जो आंसर आएगा उसको 1 में ऐड करवा देंगे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 × 5 से, तो आंसर आएगा 6.9 RT आपके पास आ जाएगा 6.93 × 5 Ω। तो इट मींस 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस आ चुकी है 6.9 × 5। तो 0 पे थी बच्चों 5.5 और 50 पे चली गई 6.93, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, ये बढ़ गई है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों, और सवाल आपके पास मौजूद है 2009 का सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इस सवाल में कहा गया एक रेजिस्टर है जिसको हमने बनाया है, कैसे बनाया हमने, एक वायर ली 50 मीटर की और उसको लपेटा हमने एक किसी स्पूल के ऊपर, और क्या किया हमने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। और डायमीटर इन्होंने गिवन दिया है कितना, 0.8 मिलीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर आपके पास मौजूद है बच्चों। सबसे पहले मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 3। अब आपको और क्या गिवन है, कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। आपको अगेन इन्होंने रॉ गिवन दे दिया है 1.1 × 6 Ω गिवन दे दिया है, और इन्होंने आपको अल्फा गिवन दिया 0.0002 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो बच्चों करना क्या है आपको, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डायमीटर गिवन है, एरिया गिवन नहीं है, तो आपको एरिया निकालना होगा डायमीटर से, जो फॉर्मूला होता है π d² / 4। तो पाई कितना बच्चों, 3.142। आपको डायमीटर यहाँ पर गिवन है 0.8 × 3 और डिवाइड में 4। तो आप क्या करोगे, फाइंड करोगे बच्चों कैसे, कि 3.142 × 0.8 × 3 का स्क्वायर, और जो आंसर आएगा उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 5.02
एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले में पुट करके रॉ एल अपॉन ए के फॉर्मूले में पुट करके रॉ फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं रॉ फाइंड कर लेता हूँ बच्चों। कैसे फाइंड करते हैं, रॉ की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 6, ठीक है, इनटू 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 6 इनटू लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ आपको इन्होंने गिवन दी है 50, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसका डिवाइड करोगे 5.02 एक्सपोनेंट माइनस 7 से, तो आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 109.5 ओम, ठीक है। इसके बाद रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर का फॉर्मूला आपने अभी अभी पढ़ा है, वन आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, फॉर्मूला पढ़ा है आपने आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, तो आर टी है मतलब आपका रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर क्या 50 है, ठीक है। ये आपको क्या करना था, रेजिस्टेंस एट 50 आपको क्या करना था बच्चों, फाइंड करना था, ठीक है। तो आर नॉट की वैल्यू आ गया मौजूद है बच्चों 5.02 एक्सपोनेंट माइनस 7 वन प्लस एल्फा, एल्फा कितना आपके पास 0.0002 और डेल्टा टी टी होता है बच्चों 50, ठीक है। तो आपने क्या करना है 0.0002 को मल्टीप्लाई करना है 50 से और जो आंसर आएगा उसको 1 में ऐड करवा देना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 5.02 एक्सपोनेंट माइनस 7 से, तो रेजिस्टेंस आ रही है 5.07 एक्सपोनेंट माइनस 7 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस थी आपकी, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। मैंने यहाँ पर गलत वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 आपके पास नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है आपके पास 109.5 गिवन है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोबारा कैलकुलेट करना होगा हमें 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 109.5, तो आंसर आ रहा है 110.5, आंसर आ रहा है 110.5। तो रेजिस्टेंस एट 50 आपने फाइंड कर लिया 110.5 ओम, ठीक है। तो सेम टॉपिक था, लास्ट न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल एक ही टॉपिक से आए हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा अगला सवाल, ये भी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन डायमेंशन से आया हुआ है, तो मैं इसका डेटा बना रहा हूँ बच्चों, देखिएगा। कहा जा रहा है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आयरन का जिसकी डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन गिवन है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 15 सेंटीमीटर, मींस अगर हम इसको इस तरह देखें तो सबसे पहले इसकी लेंथ भी 1.2 है, ठीक है, और लेट सपोज इसकी लेंथ भी 1.2 है और इसकी विड्थ भी 1.2 है, मीन्स की हाइट भी 1.2 और इसकी विड्थ भी 1.2, बच्चों ये आपको गिवन है 1.2, ये गिवन है 1.2 और ये साइड गिवन है 1.5, ठीक है। अच्छा अब आपको कहा गया है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिंग स्क्वायर एंड, मतलब ये वाला स्क्वायर एंड और ये वाला स्क्वायर एंड के दरमियान का आपको कहा गया, बताइए कि इस अपोजिंग स्क्वायर एंड का रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं जिसमें हमें कहा गया रेजिस्टेंस फाइंड करना है अपोजिंग स्क्वायर एंड। तो स्क्वायर एंड ये रहा बच्चों, इसका एरिया क्या होगा 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप क्या करोगे इसको मीटर स्क्वायर में लाने के लिए क्या करते हो बच्चों, आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ले आते हो, कैसे, एक्सपोनेंट माइनस 4 लगाकर, ठीक है। अच्छा इसके बाद कहा गया बच्चों कि इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए आपको बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ ये स्क्वायर, ये एंड एक स्क्वायर एंड है और ये एक स्क्वायर एंड है, तो बीच में फासला कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो लेंथ क्या होगा 15 सेंटीमीटर, मीटर में ले जाओगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग, इसको
तो फॉर्मूला मौजूद है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो कितना गिवन है, हमें बताया है 9.6 एक्सपोनेंट 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 8 और लेंथ आपको गिवन है 15 मीन्स 0.15 और एरिया कितना बच्चों 1.44 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो बच्चों सॉल्व करेंगे हम लोग उसको, तो 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 1.44 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो आगे आंसर आ रहा है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 रेजिस्टेंस आपके पास 1.4 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 आ रहा है आपके आंसर, ठीक है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 ओहम आपके पास आंसर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। किसके लिए आ रही है, अपोजिंग स्क्वायर एंड के लिए आ रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहा गया व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस, मीन्स एक फेस बच्चों ऊपर वाला है ये वाला, इसको मैं अभी कलर कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज इट इज़ ये रेक्टेंगुलर फेस है और एक रेक्टेंगुलर फेस ये नीचे भी मौजूद है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फेस का एरिया आपने सेलेक्ट करना होगा बच्चों, रेक्टेंगुलर फेस का आपने क्या लेना होगा, एरिया सेलेक्ट करना होगा। तो रेक्टेंगुलर फेस का अगर हम लोग एरिया कंसिड अगेन रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, किसकी, यहाँ पे कहा गया था स्क्वायर एंड का मतलब था ये स्क्वायर और ये स्क्वायर के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है। तो एरिया स्क्वायर का लिया था, अब कहा गया रेक्टेंगुलर एंड्स के दरमियान लेना है बच्चों, निकालना है रेजिस्टेंस। तो आपने क्या करना है, एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर लेना है, मीन्स 1.2 इंटू 15 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। तो 1.2 इंटू 15 आप कर लें, ठीक है, तो आएगा 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर में लाने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, आपको पता है एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ये ऊपर वाला एक रेक्टेंगुलर एंड है और एक नीचे वाला रेक्टेंगुलर एंड है, तो मीन्स इसकी जो हाइट है 1.2 ये इसकी लेंथ बन जाएगी। अब मीन्स रेक्टेंगुलर एंड के दरमियान का फासला हो जाएगा, तो ये डिवाइड बाय 100 कर दोगे आप लोग, तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास 0.0012 1.2 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास 0.0012 आ जाएगा आपके पास सर, ठीक है 0.012 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, अब आपको सॉल्व करना है इसको। तो अगेन फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब रो अगेन सेम है क्योंकि एक ही आयरन है 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 8 और यहाँ पर आपको लेंथ ये माने कितनी 0.012 डिवाइड बाय एरिया 18 एक्सपोनेंट माइनस 4। सॉल्व करना है बच्चों, तो इंटू 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 8 डिवाइड बाय 18 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो 6.4 अगेन चेक कर लेते हैं इसको दोबारा 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.012 जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 18 एक्सपोनेंट माइनस 4 से, तो आएगा 6.4 एक्सपोनेंट माइनस 7 और यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो क्या होगा ओहम। अच्छा आपको दिख रहा होगा बच्चों रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत कम आई है, रेक्टेंगुलर फेस के दरमियान में रेजिस्टेंस बहुत कम आई है क्योंकि लेंथ बहुत कम था और एरिया बहुत ज़्यादा था, तो एरिया ज़्यादा होगा और लेंथ कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, तो इसलिए रेक्टेंगुलर एंड के दरमियान की रेजिस्टेंस कम आई है और स्क्वायर एंड के दरमियान की रेजिस्टेंस क्या आई है, ज़्यादा आई है। तो होप सो बच्चों आपको हमारी ये बात समझ आ गई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक प्लेटिनम वायर इसका डायमीटर आपको गिवन है कितना है 0.2 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है, और रेजिस्टर हमने बनाया है 4 ओहम का, बताना है कितनी लेंथ वायर की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर आपको इस प्लेटिनम वायर के लिए रॉ की वैल्यू गिवन सवाल में मौजूद नहीं है। लेट सपोज मैं सपोज कर लेता हूँ फॉर प्लेटिनम में वैल्यू सपोज कर रहा हूँ लेट सपोज 11 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओहमीटर, जस्ट फॉर द सोल्यूशन मैं ये वैल्यू सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको पता है कि डायमीटर जब भी गिवन होगा तो आप क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो, तो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है, तो सॉरी एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4
पाई है 3.142, डी है आपके पास 0.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 और 4 डिवाइड में आ गया। सॉल्व करेंगे इसको हम तो जो 3.142 इंटू 0.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो 3.142 एक्सपोनेंट माइनस 8 और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास बच्चों मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ये, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है लेंथ, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो आर ए डिवाइड बाय रो, तो आर की वैल्यू आपके पास मौजूद है 4, एरिया आपने फाइंड किया है 3.142 एक्सपोनेंट माइनस 8 और डिवाइड में रो, और रो कितना है बच्चों 11 एक्सपोनेंट माइनस 8। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग सॉल्व करते हो उसको, तो जो भी आंसर आया था हमारा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और डिवाइड कर देंगे 11 एक्सपोनेंट माइनस 8, तो 1.142 मीटर लेंथ हमें वायर की चाहिए होगी, ठीक है, 4 ओहम रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो बच्चों ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2005 में आया हुआ है, इसमें कहा गया रेजिस्टेंस जो है दो रेजिस्टर हैं, एक रेजिस्टर जो है वो R1 है 10 ओहम का और दूसरा है R2 ये है आपका 50 ओहम का, ठीक है। इन दोनों कनेक्ट किया गया सीरीज़ में, ठीक है, जब सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज यहाँ पर था कितना 6 वोल्ट था, ठीक है। कहा जा रहा है कैलकुलेट करिए चार्ज डाउन फ्रॉम द बैटरी पर मिनट, मतलब कितना चार्ज ड्रॉ होगा पर मिनट, मींस चार्ज अपॉन टाइम फाइंड करना है, ठीक है, और मिनट में निकालना है, ठीक है। उसके बाद कहा गया द पावर डिसिपेटेड इन 10 ओहम रेजिस्टर, कितना पावर होगा 10 ओहम रेजिस्टर में, मींस P1 आपको क्या करना है बच्चों फाइंड करना है, या आपने क्या बनाया डेटा बनाया है, ठीक है। अच्छा बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बच्चों यहाँ पर R1 आपके पास मौजूद है, कितना R1 है 10 और ये है 50, तो यहाँ पर आएगा 60 ओहम, ठीक है। R आपके पास कितना आ गया बच्चों 60 ओहम आ गया, और V गिवन है तो V इक्वल टू IR होता है, तो I क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों V आपको गिवन दिया इन्होंने 6 और R आपके पास कितना आया है 60, तो 1/10 मीन 0.1 इज द एम्पेयर, मतलब एम्पेयर का मतलब क्या होता है कितना चार्ज ड्रॉ हो रहा है एक सेकंड में, कितना चार्ज ड्रॉ हो रहा है एक सेकंड में, ठीक है। आपको निकालना है कितना चार्ज ड्रॉ होगा एक घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम आपको गिवन है यहाँ पर बच्चों, कितना चार्ज ड्रॉ होगा, चार्ज निकालना है, टाइम मैं लिख देता हूँ पर मिनट मीन्स 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, ठीक है। तो क्या करना है आपको पता है Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T होता है, तो 0.1 इंटू टाइम आपको गिवन है कितना 60, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 6 कूलम चार्ज होगा एक मिनट में ड्रॉ हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है बच्चों पावर पहले रेजिस्टर में, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सीरीज होता है तो सीरीज में हम फॉर्मूला लगाते हैं आई स्क्वायर आर, तो P1 है तो आई स्क्वायर R1, ठीक है, सीरीज में क्योंकि करंट क्या होता है सेम होता है, इसलिए मैं आई ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो बच्चों P1 आपके पास, आपको P1 फाइंड करना है, तो I यहाँ पे गिवन है आपको कितना 0.1 का स्क्वायर इंटू R1, R1 कितना है 10 है, तो यहाँ पर P1 आएगा 0.1 और ये हो गया वॉट, ठीक है।